इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। हमारे साथ मौजूद है साबिक वजीर रियासत जनाब सतीश जरकिहोली साहब। हम उनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, जैसे कि मौजूदा हालात में। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका खैर मकदम, आपका इस्तकबाल सर। हमारा मुझे सवाल ये पूछना था कि जिस कदर एक कोविड 19 को लेकर कर्नाटक में बढ़ते मामले और हुकूमत की जानिब से इस पर तवज्जो न देना और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ना, एक सवाल। दूसरा सवाल यह है कि जो भूमि पूजन राम मंदिर का हुआ, जिसमें हमारे वजीर आजम प्रधानमंत्री मोदी जी क्या वो प्रोटोकॉल को तोड़कर जो शरीक हुए हैं, क्या यह देश की धर्मनिरपेक्षता की जो छवि है, जो इमेज है, उसको उन्होंने कहीं तो भी नुकसान नहीं पहुंचाया जो मोहन भागवत के साथ उन्होंने ये किया है? तो पहले से हम शुरुआत से बोल रहे हैं, वो तो दोनों सरकार हैंडल करने में फेल्योर हुआ है दोनों सरकार, इसकी वजह से ज़्यादा बढ़ने की आप बता रहे थे, दिन से दिन बढ़ रहा है। इसका वजह भी एक ही है, क्योंकि सरकार और प्रशासन अधिकारी आए तो उनका कोऑर्डिनेशन नहीं है जी सर, जो उनको पता नहीं चलता, इनको ये नहीं पता चलता है। बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं आज तक वो बाहर नहीं आए, बहुत सारे रूलिंग पार्टी MLA बाहर नहीं आए। जब तक बाहर नहीं आएंगे तो आपको हालात नहीं समझेंगे ना, क्या हो रहा है पीड़ में रियलिटी। अभी बेलगाम का देखो, इतना रश हो रहा है एक हॉस्पिटल में, तो सबको हम नहीं रख सकते अंदर, तो ऐसे बहुत प्रॉब्लम है। इसके लिए सरकार शुरुआत से भी उसको गलत हैंडल किया है, इसके लिए ये बढ़ने की एक वजह भी हो सकता है। दूसरा सवाल, जो प्रधानमंत्री धर्मनिरपेक्षता की छवि को कहीं तो भी वो नुकसान नहीं पहुंचा रहे जिस कदर? नहीं, वो तो मंदिर तो कोई सरकार का तो कार्य सूची में नहीं है, उनका तो पर्सनल एजेंडा है, वो तो उनका पार्टी का होगा, उनका धर्म का होगा, उनका कोई ट्रस्ट का होगा। मगर उसके लिए लड़ाई तो बहुत अलग अलग लोगों ने किया था, क्योंकि ये 60 साल से 70 साल से लड़ाई है, उससे पहले भी है, खास करके LK अडवाणी उसका मेन फाउंडर थे, उसको भी छोड़ के किया है। कहीं ना कहीं ये ऐसा हो रहा है, मैं अकेला ही इसको निभा रहा हूँ, कर रहा हूँ, मगर इसको पूरा उनका सिर्फ बीजेपी वालों का नहीं, पूरा भारत देशवासी का इसका सपोर्ट है। खास करके कितना मुस्लिम संगठन ने भी उसको सपोर्ट किया है, एक बार खत्म कर देंगे मंदिर बनाना है तो बना दीजिए, एक बार इशू खत्म करेंगे, ये भी मुस्लिम के सब सही संगठन ने स्वागत किया है। सर, पर सवाल ये है कि जब पूरा देश कोविड जैसी महामारी से लड़ रहा है, हर रोज जो है पॉजिटिव मामले बढ़ते जा रहे हैं, पूरे दुनिया में भारत अव्वल नंबर की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे मामले में बेरोजगारी है, महंगाई है, तमाम मसले होने के बावजूद प्रधानमंत्री ये राम मंदिर के इशू बिल्कुल जरूरत नहीं था, क्योंकि अभी उसका टाइम कभी भी कर सकते थे, अभी 6 महीने के बाद भी कर सकते थे और 1 वर्ष बाद भी कर सकते, क्योंकि बहुत दिन का लड़ाई था, आज ही उसका नहीं था, क्योंकि आप बता रहे थे कोविड का, यह हमारे पास टाइम नहीं है सोचने के लिए, कोविड के लिए हमको ज्यादा टाइम देना चाहिए, ये टाइम किया है ये बिल्कुल गलत। और जहाँ तक हम देखते हैं सर, कांग्रेस पार्टी का भी एक स्टैंड पहले से रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी जितने भी हैं वो कांग्रेस पार्टी के रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हम अगर भाजपा की बात करें तो इनके कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, कोई हिस्सा इन्होंने नहीं लिया है। आज जब भागवत जो RSS है, उन्होंने कभी भी तिरंगा झंडा अपनी दफ्तर पे नहीं लहराया, आज उनके साथ अगर वो शेयर करके ये भूमि पूजन में शरीक होते हैं, ये क्या मैसेज जाता है सर, क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैसेज तो हमेशा गलत ही जाता है, वो गलत रास्ते पे चलता है, कभी ना कभी टाइम आएंगे उसको रोकने के लिए, वो भी हम भी इंतजार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भारत देश का लोग देखा है, 5 साल देखा है, अभी 5 साल चल रहा है, अगले तो एक दिन जरूर आएगा उसका तिरंगा झंडा लहराने का दिन जरूर आएगा। सर, क्या कांग्रेस कमबैक करेगी सेंटर में? जरूर आएंगे, उसके लिए तो प्रयास तो चल रहा है, थोड़ा टाइम तो लगेंगे, जरूर कांग्रेस सेंटर में भी आएंगे और खास करके कर्नाटक में कांग्रेस जरूर आएंगे। जो कोविड को लेकर जो मौतों का आंकड़ा जिस तरह से बढ़ रहा है, सरकार इस पर ज्यादा सीरियस यानी कि ध्यान क्यों नहीं दे रही सर, क्या बात नहीं है? सीरियस तो नहीं है, क्योंकि हमने शुरुआत से बोल रहे हैं, BJP सरकार सीरियस नहीं है,
उसके लिए कोई चिंता नहीं है, कैसे उनका काम करने का तरीका है दंग है वो तो सब बिल्कुल गलत है, इसके लिए ये सब हो रहा है। फिर भी उसके लिए लोग सफर हो रहे हैं, कितना पर डे पेशेंट के लिए 10,000, 20,000, 30,000 तक पर डे देना पड़ता है। कहीं कहीं उसका एक नेगेटिव आता है, एक पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आता है तो नेगेटिव आता है, ये भी हो रहा है, इसके लिए लोग बहुत सफर हो रहा है। पूरा जिम्मेदारी से हमारा स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर है सर। ये बेलगाम बिम्स में भी हमने देखा कि एक ही पेशेंट का नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, फिर कई सारे पेशेंट्स देखभाल न होने की वजह से वो मौत की आगोश में भी चले जा रहे हैं। तो सेंट्रल तो छोड़िए, तो ये जो हमारी रियासती हुकूमत है येडियुरप्पा की, ये इस पर तवज्जो देने के लिए क्यों तैयार नहीं, क्या प्रॉब्लम है इनको? उसको जरूरत नहीं है, वो तो किसी के धर्म के आधार पे, कोई जात के आधार पे उनको वोट मिलता है, तो उनका काम करके या लोगों का प्यार हासिल करके आने के लिए उसको जरूरत नहीं, उनके तो वोट बैंक है। इसके लिए वो ज्यादा दिन डेवलपमेंट या ऐसे कोविड हो, कोई ऐसा बेरोजगारी, इसके लिए जान नहीं देते हैं लोग खास करके, इसके लिए उसको एक दिन जरूर आएंगे, सबक लोग सिखाएंगे। ये थे जनाब रियासती वजीर जनाब सतीश जारकिहोली साहब, जिन्होंने बेबाक अंदाज में बताया कि किस कदर गैर जिम्मेदाराना रवैया हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है, जिसकी वजह से जिसकी कीमत अवाम को चुकानी पड़ रही है, और जल्द जो है अवाम उन्हें सबक सिखा कर रहेगी। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।